पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। उन्होंने देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों के दिल में जगह बनाई है। इसी का परिणाम है कि आज भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस कारण पार्टी प्रत्याशी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने और कैराना लोकसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी की जीत से उत्साहित सूबे के गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आपने स्टार प्रचारक के रूप में कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत उसके हिस्से में आई और आज भगदौड़ के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। उसी दिन से देश की राजनीति की परिभाषा बदली थी और नर सेवा नारायण सेवा लोगों के बीच में रह करके लगातार लोगों के सेवा भाव से काम करना यही प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया हो, और जो व्यक्ति जीवन में गरीब आदमी नहीं सोच सकता था कि क्या पूरे जीवन में मैं अपना आवास बना पाऊंगा, उन तमाम लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने किया। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, तमाम पर आदरणीय मोदी जी ने फोकस किया और इसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का मुझे अवसर मिला। जिस भी गांव में, गली में, शहर में हम गए तो घर घर तक मोदी जी कनेक्ट थे और हर घर से एक ही आवाज़ आती थी, फिर एक बार मोदी सरकार। मानो उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री ने 5 साल के अंदर एक भी छुट्टी नहीं ली और राजनीति नहीं बल्कि तपस्या की है। उन्होंने लगातार तपस्या करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी का परिणाम है आज के पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और मैं कह सकता हूं आज मोदी जी की इस रणनीति और मोदी जी के इस काम का ही परिणाम है और मोदी जी की सरलता का और मोदी जी की इस तपस्या का ही परिणाम है कि मोदी जी केवल भारत के नहीं बल्कि आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता आज उनसे प्रेरणा प्राप्त करके राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र को सामाजिक सेवा समझ करके लोग अब आगे बढ़ रहे हैं।